अब MSP से किसानों की सेहत पे कितना असर पड़ता है? सरकारी रिपोर्ट आ तो जाते हैं लेकिन उस पर किसी की नज़र नहीं जाती है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि MSP कितना इनएफेक्टिव है, कितना इनएडिक्वेट है, उसके बावजूद भी 15,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। आज तक आजाद भारत के इतिहास में कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इतनी हाइक किसी भी सरकार ने नहीं दी थी। ये कोई साधारण फैसला नहीं है बल्कि एक बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला है। MSP बढ़ने के बाद हेडलाइंस को देखिए, हिस्टोरिक, अनप्रेसिडेंटेड, आजाद भारत में ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया, इस तरह के एक्सप्रेशन यूज किए गए इस फैसले पर। फैसला क्या था? पैडी पे, धान पे 13% का MSP बढ़ गया। एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे तो 200 रुपया बढ़ा है, 200 रुपया, लेकिन वो उसका कोई मतलब नहीं है। असली मतलब है कि कितना परसेंट बढ़ा। 10 साल पहले ही जाने की जरूरत है, 10 साल पहले 3 साल में, 1 साल में 29% बढ़ा, दूसरे साल में 21% बढ़ा, तीसरे साल में 17% बढ़ा, और ये पीरियड था 2007-08 से लेके 2009-10 तक का। और इस 3 साल में कॉमन पैडी का जो MSP था ऑलमोस्ट डबल हो गया था। तो ऐतिहासिक वो था या ये था? अब पिछले 3 साल का देखिए, उस 3 साल के तुलना में अब पिछले 3 साल को देखिए, तो पहले साल में 4% का ग्रोथ, दूसरे साल में 5% का हाइक, और तीसरे साल में 13% का, तीनों मिला के, और उस बाद उस 2007 से 2010 को कंपेयर करें तो कौन सा ऐतिहासिक है? ये तो बात होगी शब्दों की। अब हम असल में जानते हैं कि इसका फार्मर्स पे क्या असर पड़ता है। MSP मतलब वो मूल्य है जिस पे गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि इस भाव से नीचे में किसानों का अनाज नहीं खरीदा जाएगा, यही है MSP। अब MSP से किसानों की सेहत पे कितना असर पड़ता है, इसके लिए हमको सरकारी रिपोर्ट ही देखना चाहिए। और हमको लगता है कि सरकारी रिपोर्ट आ तो जाते हैं लेकिन उस पे किसी की नज़र नहीं जाती है। CACP एक संस्था है जिसका काम है MSP रिकमेंड करना, उसका 2017 का रिपोर्ट पढ़िए और उस रिपोर्ट में से पेज 29, 30 और 32 पढ़िए। उसमें क्लियर कट बताया गया है कि 15% ही किसान का घर है जो अपना अनाज गवर्नमेंट एजेंसी को देता है, और कुछ कुछ स्टेट्स में तो प्रोक्योरमेंट ऑलमोस्ट नील है। आसाम में कुछ नहीं होता है, बिहार में बहुत कम होता है, वेस्ट बंगाल में बहुत कम होता है, कर्नाटक में बहुत कम होता है, तमिलनाडु में बहुत कम होता है, और उत्तर प्रदेश में बहुत कम होता है। ये जो बड़े बड़े स्टेट हैं वहाँ MSP का कोई मतलब नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट ऑलमोस्ट नील है वहाँ। कुछ कुछ स्टेट्स जहाँ के MSP इफेक्टिव है, उसमें से पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और एक दो और स्टेट्स हैं जहाँ की प्रोक्योरमेंट का MSP का कोई मतलब है। अब देश के बड़े इलाके में MSP का कोई मतलब नहीं है, तो इस फैसले को, वो ऐतिहासिक हाइक हो या गैर ऐतिहासिक हाइक हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है किसानों पे? CACP के एक दूसरे पैराग्राफ के पर आप गौर कीजिए तो उसके हिसाब से उसमें दिया हुआ है कि कितने परसेंट फार्म हाउस होल्ड को पता है कि MSP जैसा कुछ चीज़ होता है। तो गेहूं और धान को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो फूड आइटम्स हैं उसके बारे में किसानों का अवेयरनेस लेवल कि MSP होता है, ये बहुत ही कम है। और सबसे मज़ेदार बात है कि रागी, जिसका MSP सबसे ज़्यादा बढ़ा है, करीब 50% के आसपास बढ़ा है, उसके बारे में सिर्फ 2.5% किसानों को पता है कि रागी पे MSP जैसा कुछ चीज़ होता है। जैसा हमने देखा कि गवर्नमेंट के रिपोर्ट में कहा गया है कि MSP कितना इनएफेक्टिव है, कितना इनएडिक्वेट है, उसके बावजूद भी 15,000 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है इस पर खर्च करने का। MSP बढ़ाने के बाद प्रोविज़न है कि 15,000 करोड़ करीब खर्च होगा। तो इतना 15,000 करोड़ का अगर किसानों को फ़ायदा नहीं होगा तो किसको फ़ायदा होगा? सीधा सीधी है कि बिचौलियों को फ़ायदा होगा जो किसान से सस्ता अनाज खरीदते हैं और गवर्नमेंट को महंगा में बेचते हैं। बाकी लोगों को क्या मिलेगा? दो बड़ा चीज़, एक वित्तीय घाटा बढ़ेगा और उसका अनुमान है कि 0.3% करीब फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है, और दूसरा है महंगाई बढ़ेगी करीब 1% के आसपास। दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक ही है, दोनों से इंटरेस्ट रेट पे दबाव पड़ेगा, ब्याज दरें बढ़ेगी, और ब्याज दरें बढ़ेगी तो हमारा EMI जो है या बिजनेस के लिए जो लोन लेना है सब महंगा होगा, जो किसी भी हालत में हमारे लिए ठीक नहीं है। मेरी गुजारिश है कि हेडलाइन पे मत जाइए, हेडलाइन के पीछे की कहानी पर गौर कीजिए
और पीछे की कहानी यही है कि किसानों को इससे बहुत कम फायदा होगा और हम सब पे इसका बोझ पड़ने वाला है।